बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अकेडमी बाय रिया सॉल्यूशन। और जनाब, आज पूरे के पूरे 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं मेरे, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये मेरे 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में। तो आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइस, और आगे भी मैं बनाता रहूँगा, बट आज मैं इस 6,000 सब्सक्राइबर के कंटेंट पर एक छोटी सी ब्लास्ट ऑफर, मतलब लाइक गुड थिंग फॉर यू ऑल, एक चीज़ करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखा भाई, मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट है, दिस वन माई दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी फेवरेट अमंग ऑल ऑफ यू, क्रिएटिंग मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम। आई डोंट नो वाई, बट इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, या आई गेस के फॉर द सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स यू गाइज आर मेकिंग दिस, और या फिर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आई नो आई डोंट नो। बट ये मैंने बहुत रफली बनाया था, इट वॉजेंट यू नो सो much good, but it was better, you know, but aisa nahi hai, as a beginner it is very good, as an intermediate it is fine, but agar aap isko dekhenge, follow karenge, I must say ke yaar isko follow karo, dekho isko ek dafa banao, theek hai, isse kafi concepts open honge। ha bhai, code iska thoda sa yahan par jo maine niche liya tha wo obsolete ho gaya, don't worry, main link update kar dunga, all right, so very fine, don't worry, my baby is screaming in the background। ऑल राइट, सो ये जो 10 वीडियोस पे बनी हुई वीडियो है, ये मैं आपको सिर्फ 3 से 4 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बना के एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, तो इसी वीडियो से हम इसको शुरू करते हैं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज़ अप्रोच हमारी और बेहतर होगी, मेरी भी स्किल्स डे बाई डे बेहतर हुई है, तो ऑब्वियस है कि आई विल डिलीवर मोर बेटर थिंग्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से मैं जो मेरा कॉन्टेंट है वो वेब APIs पे आ रहा है, तो आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा हो कि हम एक वेब API क्रिएट करें, और मैं उस वेब API के मतलब प्रैक्टिकल, आई एम नॉट गेटिंग के लोग जो है बिना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, जैसे मेरा एक ये पूरी सीरीज़ है वेब API ट्यूटोरियल, सो यू गाइस शुड सी दिस, आप पहले इसको देखें, ठीक है, तो इससे होगा कि आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे कि मैं ये काम कैसे करने वाला हूँ, एंड देन आई विल डू व्हाट, आई विल जस्ट मेक अ वेब API, और मैं उस वेब API को कंज्यूम करूँगा कहाँ पर, अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, और जेसॉन की फॉर्म में उसको डेटा को लाऊंगा, और ऑन द वन सबमिट, यानी आपको सर्वर से बार बार इंटरेक्शन नहीं करना होगा, जस्ट आपके आंसर्स मार्क होते रहेंगे, आप आंसर मार्क करते रहेंगे, आंसर मार्क करने के बाद जब आप आखिरी सबमिट देंगे, वो जस्ट ऑन अ वन क्लिक यू विल हिट ऑन द सर्वर, और सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, और फिर आपका जो MCQs है, जो प्रैक्टिकल जो पोर्टल्स होते हैं ऑनलाइन एग्जाम के, वो इसी तरह के होते हैं, सो विल डू दिस राइट नाउ, और बस ये एक सिखाने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ डैशबोर्ड फॉर दैट, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मेरे कुछ पेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे परचेज किए थे, मैंने जिनको पढ़ाया था, तो अभी भी हैं कुछ चल रहे हैं, बट वो ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू एंड ऑल द थिंग्स, तो मैं उससे फ्री होके फिर इधर आऊँगा, बहुत सी चीज़ों पर, आई हैव सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर दिस। ऑल राइट, तो जी शुरू करते हैं, देखें एक क्रिएट करते हैं अपनी वेब API, जस्ट गो टू द प्रोजेक्ट, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, और विल गो टू दिस एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ऑल राइट, दिस इज़ व्हाट, ये विजुअल सी बेसिक है, ये C# है, दैन तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो आप भी विजुअल स्टूडियो 2019 पर आ जाएँ, तो वेब API इसका नाम रख दिया, ओके, एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वेब API MVC एंड क्रिएट। ओके, तो ये 6,000 सब्सक्राइबर का तोहफा आप लोगों को मेरी तरफ से, तो मुझे पता है कि बिल्कुल ये चीज़ आपको बहुत, आपके प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत बेहतर होगी, आपको समझ में आएगी, और आपके एक्सपीरियंस में भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। टिल देन आई शुड हैव टेम्पलेट फॉर एग्ज़ाम, तो यार मुश्किल क्या है, गूगल पे सब कुछ होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम टेम्पलेट फ्री बूटस्ट्रैप डाउनलोड, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर मैं एज अ प्रैक्टिस, तो आप यहाँ पे जाएँ इस वेबसाइट पे, ये तो बना बनाया सब देता है, बूट स्नैप, यहाँ से ही मिल जाएगा मुझे, आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको समझाना। ऑल राइट, लेट्स सी कि अगर यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है, वरना फिर ख़ुद से डिज़ाइन करना, डिज़ाइनिंग यू नो इट टेक्स टाइम। टिल देन ये ओके, ये हो चुका है, यहाँ पर देखें एक वेब API आ चुकी होगी,
वैल्यूज कंट्रोलर. सो राइट नाउ आई एम नॉट कनेक्टिंग डेटाबेस, तो मैं जल्दी करना चाहता हूँ. मैं डेटाबेस को बाद में भी कनेक्ट कर सकता हूँ. अभी जस्ट मैं क्या करूँगा, मॉक डेटा यानी डमी डेटा कह लो यार उसको, मॉक डेटा ऐड करूँगा, ठीक है ना. तो उससे काम चला लूँगा मैं अपना. ऑल राइट, सो विल जस्ट गो एड टू द कंट्रोलर, विल एड अ कंट्रोलर वेब एपीआई टू. ऑल राइट, एंड एड दिस एंड नेम एज इट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन कंट्रोलर. ऑल राइट, देखें एपीआई कंट्रोलर से इनहेरिट हुआ है, फाइन. ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट, जस्ट मेक अ मेथड. सो यार इतनी मेहनत नहीं करनी, मैंने टाइम वेस्ट, मैं कॉपी पेस्ट करूं, मैंने सब कुछ पहले किया हुआ है जब. सो एक गेट रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स वाली, ठीक है. मैंने ऑलरेडी हैव रिटन सो मैनी कोड, तो मैं उठाऊँ ना वहीं से. ये पूरा देखें एक फॉर्मेट है, उसको उठाया, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है. यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया. ऑल राइट, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अभी, डी बी वी बी की ज़रूरत ही नहीं है, बस रिस्पॉन्स होगा और आखिरी में क्वेश्चन. सो राइट नाउ आई एम हेयर लिस्ट, ओके क्वेश्चन. अब मेरे पास नहीं है ऐसा ही कोई एंटिटी, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा यार मॉडल में जाके ना. सो जस्ट गो टू दिस, पहले मैं ये कर लेता हूँ, न्यू एंड सॉरी कोड पे जाके ना, यहाँ पे क्लास पे जाके ऐसे कर लेना है, ऐसे जाके. अच्छा मेरी वीडियो में ना नोट करना, मैंने ठीक है कितनी दफ़ा बोला है और सही है कितनी दफ़ा बोला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार. मैंने खुद अपनी वीडियो देखी थी, सो आई वॉज अम्यूज कि मैं ये वर्ड इतना इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन व्यू मॉडल. ऑल राइट दैट इज डन, प्रॉप्स दैट इज क्वेश्चन आईडी. तो यार घिसी पिटी चीज़ें हो गई हैं अब तो, ये ना मैं खुद पक गया उससे. अब आने वाली वीडियो में थोड़ा सा हम कुछ रहता, बट ये चीज़ करवाना ज़रूरी है थोड़ा नए अप्रोच से, अच्छे अप्रोच से. सो यू विल गेट दिस, तो दैट नेम इज एड्स टेक्स्ट. अच्छा ये पहला वर्ड जो है ना, मैं स्मॉल, टेक्स्ट के बाद नेम इट एज ऑप्शन वन, कॉपी दिस वन, पेस्ट दैट इज ऑप्शन टू. अच्छा ये सब मैं रन टाइम पे कर रहा हूँ, तो माइट बी के कुछ नहीं छो, बट मैं हैंडल कर लूँगा. ऑप्शन फोर, ओके, और इसको हम रख लेंगे इंटीजर. क्वेश्चन टाइप मैं टाइप नहीं रख सकता ना, टाइप कीवर्ड तो नहीं है, नहीं कीवर्ड नहीं है क्वेश्चन का जो टाइप है. ओके मैं कहता है ये जो है ना, इसको स्मॉल रखा करो, इसकी एक रीज़न है, केमिकल केस में लिखना. जावा स्क्रिप्ट पे जब जेसॉन बनेगी ना, तो पहला वर्ड जो है वो स्मॉल होना चाहिए. क्वेश्चन की टाइप यानी वो किस टाइप का है हमारे पास, क्वेश्चन आया कि मल्टीपल सिलेक्शन है या फिर क्या है, लाइक दैट. ओके तो उसके बाद ऑप्शन 1 2 3 4. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, आई नीड टू ऐड समथिंग मोर, करेक्ट ऑप्शन, यस फाइन, ओके पब्लिक, ओके कीप रिमेंबर द ऑप्शन 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके आई एम नॉट चेंजिंग इन द एनी नेम, डिफरेंट नेम एंड नेमिंग कन्वेंशन, कॉपी एंड पेस्ट, एंड द ऑप्शन 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज दिस विल होल्ड द योर आंसर आंसर. ओके यू मे राइट एज आंसर, दैट वुड बी बेटर. ऑल राइट फाइन, ओके 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 लेट्स जस्ट बिल्ड द कोड. ओके फाइन, कम बैक टू दिस क्वेश्चन व्यू मॉडल, प्रेस कंट्रोल डॉट वेब एपीआई एल आई इज इक्वल्स टू न्यू क्वेश्चन व्यू मॉडल,
li.add. Right now I will add few questions like okay, in the constructor I will do this, but in the future I will change all this logic for CTOR double tap. Okay, so question view model QVM is equals to new, this all these are, you know, mock data hard coded. QVM dot ID is equals to 1, QVM dot question ka text jo hai hamara, that is what is web API, QVM dot blah 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 blah, option 1, none of them, copy paste paste paste, that is option 2, 3, and this one is 4. Both A and B. Okay. मतलब I'm just, you know, mock data है तो ऐसे ही मैं कुछ बिल्ड दे रहा हूँ. What is web API? And application programming interface. Oh yeah, okay. Let's just copy this. Sync, मतलब answer is equals to, the correct answer is Q question 3, QVM dot question 3, option 3. Alright, I'm assigning this QVM dot type, and what is the type? So for defining a type, मैं यहाँ एक enumeration define कर दूँगा, public enum question type, and the first on the zero index I will write is at multiple choice, the second one is single choice, means one correct answer, multiple means having more than one answer on the zero, and this one is on the one. So I will mark it as QVM question type dot, that is single answer. ऑल राइट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दे रहा है, क्या कह रहा है भाई, इंटीजर को इस तरह नहीं कर सकते. अच्छा एक और बात, जब डेटा इतना बड़ा जाना ही नहीं है तो इसको इंटीजर क्यों डिफाइन किया, इसको आप कर दें शॉर्ट, मेमोरी पे भी है बेटर. अब यहाँ इसको शॉर्ट मैंने टाइप कास्टिंग कर दी. ऑल राइट, सो एल आई डॉट एड, और के इसके बाद इसमें क्या करना है, QVM को ऐड कर देना है आपने. इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, पेस्ट करो, सेव करो. सही है, ये अभी टेम्प्रेरी में DB कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, तो यू नो टाइम लगता है ये सब. वैसे टाइम तो इसमें भी लग रहा है, बट चलो मॉक डेटा पे काम करना आएगा. दिस वन इज ऑल्सो सेम, व्हाट इज एमवीसी, एंड एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर.
simple form, what is MVC? Okay. All right. And we'll write LI. LI के अंदर ये डायरेक्ट है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ये डायरेक्ट LI के अंदर इसको चला रहा होगा. चलो API टेस्ट करते हैं. सेफ हो गई, रन हो गया, फाइन. एक वीडियो के अंदर हम AJAX कॉल को भी करके उसको ना बुला लेंगे यार. राइट, लेट्स जस्ट चेक इट. वैसे तो पोस्टमैन से चेक करवाई है मैंने आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे API/ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्वेश्चन. स्पेलिंग गड़बड़ हुई है ना, QUSTIUN होता है. ये देख रहे हो, सारा का सारा डेटा तुम्हारा भाई लेके आ गया. ऑल राइट, सो बेटर है. चलो AJAX कॉल लगाते हैं. चल गए. अब ये हो गई हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन, सर्वर मतलब हमने API लिख ली अभी सिर्फ डेटा गेट करने के लिए. ऑल राइट, तो भाई यहाँ पर हमारा व्यू भी तो है, होम के ऊपर आ जाओ. शाबाश है, निकाल दो ये सब, इसकी ज़रूरत नहीं है. AJAX कॉल लिखनी है. अब देखो इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ सर्च करो AJAX API या कुछ भी ऐसा लिख दो, खुद से सिंटेक्स आ जाएगा. सिंटेक्स याद रखने की भी नीड नहीं होती है. विथ कंटेंट टाइप JSON, स्टैक ओवरफ्लो की दुनिया ही बहुत बड़ी है. ये देखो ये रहा कोड. ऑल राइट, वी हैव दिस. हम किसी एक को भी उठा लेते हैं यार, बाकी देख लेंगे अपने हिसाब से. तो मैं कोड लिखता ही नहीं, कॉपी पेस्ट सम फुल टाइम स्क्रिप्ट. फिर तुम्हारा भाई अब स्क्रिप्ट लगाएगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएगा. तो आजकल जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन चल रहा है, तो उसके अंदर एरो फंक्शंस होते हैं. सो वी विल डू व्हाट, मेक अ फंक्शन गेट ऑल क्वेश्चंस. सही है, और इसको हम ऐसे एरो फंक्शन बनाएंगे. यहाँ पे ये हुआ ऐसे ऐसे, ये इसकी बॉडी हो गई. इसके अंदर ये पूरा कोड आपने रख देना है ठाके. अच्छा मैं ये कोड समझा दूंगा, इतना फिक्र की बात नहीं है. यहाँ पे आएगा आपका URL. तो ये URL क्या कहाँ से आएगा भी बता दें. तो हमारी ये जो प्रोजेक्ट है तो सेम है, अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता तो हम पूरा का पूरा URL देते. सो डोंट वरी, यहाँ पे आप लिखो /API/ व्हाट question get request है. और यहाँ पे देखो type is what get, capital में get लिख दिया. हम कोई भी डेटा नहीं भेज रहे यहाँ से, भी पैरामीटर नहीं है. टाइप JSON है, content type is application. तो ये मैं अपनी web API की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, content negotiation वाली वीडियो. तो मैं बार बार कह रहा हूँ यार उसको देख लेना जाके, सब की मेहनत करके मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उसके अंदर ये सब कुछ है. मैं एक एक वीडियो में इस तरह नहीं बताऊँगा, तो उसको प्लीज़ देख लेना. नहीं चाहिए प्रोफेशनल वेबसाइट, अब यहाँ पर आए. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा देखो ये हिट करेगा इसके ऊपर, और जब अगर सर्वर से रिस्पांस मिल जाएगा हमें तो यहाँ कंसोल हो जाएगा सक्सेस. हमें कंसोल सक्सेस नहीं कराना, हम क्या करेंगे यहाँ पर डेटा को अपने शो करा लेंगे CL. ये जो सर्वर से रिस्पांस आएगा ना वो इस डेटा के अंदर होगा, इस पैरामीटर में होगा. यहाँ पर ला के पेस्ट. सही है, अब जो भी चीज़ होगी आ जाएगी. चलो इस पेज को रन करते हैं. API हिट होगी डेफिनेटली, जब ये पेज लोड हो जाएगा. देखो चेक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो कोई एरर तो नहीं आया. आया एरर, पेज हिट नहीं हुआ. ओके, पेज हिट नहीं हुआ पता है क्यों? क्योंकि मैंने मेथड कॉल नहीं किया. मेथड बना लिया है, मेथड को कॉल भी तो करोगे यार, बनाने के बाद यहाँ पे कॉल कर लो. कोड को मज़ीद बेहतर करेंगे, जल्दी नहीं है. ये देखो यहाँ पे आया ये, और ये क्या बता रहा है, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड, यानी jQuery जो है इंक्लूड नहीं है. तो भाई अभी टाइम, मैं बंडलिंग वर्डलिंग के पीछे नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट स्क्रिप्ट पे जाऊँगा. jQuery की ये जो फाइल है ना मिनिफाइड वर्जन, ये उठा के यहाँ लगा देनी है. सेव करना है,
इस एरर से आपको निजात मिल जाएगी। ओके ऑल राइट, ये देखो डेटा आ गया है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे डेटा JSON के अंदर आ गया है तो उसका मतलब है हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में UI के ऊपर कंज्यूम करवा लेंगे। अब सारा गेम मेरा JavaScript का होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में JavaScript स्किल्स के साथ सामने आएंगे। थोड़ा बहुत इंट्रेक्शन है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आगे भी आएगी। तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तो मेरा अच्छे से अच्छा कंटेंट आएगा, नया तोहफा दूंगा। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।